नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में देश में बना हुआ है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। विपक्ष में जो यहाँ पर ये लोग हैं हमारे लिए विपक्ष में ही हैं, आज सत्ता में लोग बैठे दिल्ली के अंदर, कई नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, कोई दम नहीं है। और मैं चाहूंगा स्पीकर साहब वहीं के हैं, ओम बिरला जी वहीं के हैं, ओम बिरला जी को चाहिए कि सच्चाई बखान करे, ये सब बातें ठीक हो जाएगी। सर बेवजह पॉलिटिक्स ना हो ऐसे संवेदनशील इशू में राजनीति से परहेज करनी चाहिए, ऐसे संवेदन बिल्कुल करनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मौत पे राजनीति करने का तू क्या है, वो कर रहे हैं। गोरखपुर की घटना को कंपेयर क्यों कर सकते हो, गोरखपुर में तो 1500 के आसपास लोग मरे, बच्चे मरे थे, अलग बीमारी थी, अलग कमियां थी, अलग वहाँ कई तरह की शिकायतें थी, उनको कंपेयर किया तो कोई एक दिन भी ऐसे बच्चों की मौतें नहीं हुई जो कि इस आंकड़ा पार कर गया हो। 5-6 साल का आंकड़े में कभी 8 कभी 10 लोग मरे हैं, यहाँ तो 2 दिन में 10 जो बच्चे मरे थे उनमें 6 बच्चे वो थे जो बाहर से आए थे, दूसरे हॉस्पिटल आए थे और वो मर गए थे, वहाँ पर कोई आंकड़े भी नहीं बताते हैं, फिर भी टीमें आ रही है, जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं।